डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये टू टाइप से होता है। कौन सा होता है? एक टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक डिग्री बेस होता है। दूसरा होता है टर्म बेस, तो इसको लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसको टर्म लिख दो या टर्म्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिग्री बेस के। कि सर डिग्री बेस क्या होते हैं? डिग्री बेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की जब बात की थी तो हमने बोला था कि पॉलिनोमियल फंक्शन एन डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन जो लिखा था उसको काटा था, जहाँ से काट रहे थे वही पार्ट बन रहे थे। तो एक बार पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं लिख देता हूँ कि क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरीके से चलते चलते हमारा आया था ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। और यहाँ तक की बातें होने के बाद इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इस पे ध्यान से सुनना। इस कर्सर को देख, मेरे माउस को देखना, पेन को देखना, यहाँ देखना। ये यहाँ से अगर मैं काट दूंगा तो हमारे पास इतना ही बचेगा जिसमें ए जीरो नज़र आएगा। हाँ, ये ए जीरो। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो बात करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन होता क्या है। तो ए नंबर की बार डालिएगा और इसमें लिखिएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। सर एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है क्या है? कोई फंक्शन जिसमें वेरिएबल ना हो, इसकी भी बात हम कर लेंगे। कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे ए जीरो को मैं ए लिख रहा हूँ, ए जीरो को मैं ए लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कल बोला था कि हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हाँ, स्टार्टिंग से तो इसको ए लिख रहा हूँ, तो यहाँ ये ए हो गया। अब ए का मतलब हुआ कि फंक्शन में कुछ भी चेंज करो, वैल्यू फंक्शन की चेंज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन सर बोलेंगे किसके। अच्छा, आपका फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, तो मैं जिस दिन एक्स फंक्शन का बात कर लूंगा कि फंक्शन को मैं जीरो रख दूंगा, तो क्या ए जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मैं एफ ऑफ ट्वेंटी कर दूंगा, तो क्या फंक्शन ट्वेंटी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो। वैल्यू मतलब सर फंक्शन की वैल्यू ये है ना। हाँ, फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन देखो यार, हमने जीरो किया फिर ये ट्वेंटी किया, मतलब हमने फंक्शन को चेंज किया लेकिन फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, जिसका कोई हसल नहीं होता है फंक्शन का। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात हमने की है। और इसको आगे देखते हैं कि सर कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिग्री क्या होती है। मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले आपको कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिग्री ऐसे करके दिखाई थी, जीरो, है ना। लेकिन अगर मैं इसको और तरीके से बोलूँगा ना, तो इसको मैं और बोलूँगा कि सर डिग्री ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो इसमें दो नंबर की बात डालिएगा कि डिग्री ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ फंक्शन आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। फंक्शन का मतलब मैं अक्ष के ले लेता हूँ कि अक्ष की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ अक्ष। तो उसको बोल देंगे हम। अब आपके मन में आया होगा कि सर इसकी डिग्री तो जीरो थी, थोड़ी देर पहले आपने जीरो लिखा था, फिर मैंने बोला मैं इसको कैंसिल भी करता हूँ। हाँ, डिग्री ऑफ अक्ष मैंने अनडिफाइंड इसलिए बोला है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन की बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ समझा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ जी। अच्छा, मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूँगा, एक्स की वैल्यू कर दूंगा टू, तो ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर डिवाइड टू का स्क्वायर, कैंसिल हो गया है। हाँ, मैं यहाँ कर दूंगा एफ ओ माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाइव माइनस वन का स्क्वायर
माइनस वन का स्क्वायर, अच्छा ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ भी आपका फाइव ही आ रहा है, फंक्शन पे भी यहाँ भी फाइव आ रहा है और यहाँ भी फाइव आ रहा है। अच्छा मैंने तो क्या किया, हमारे पास डिग्री तो कौन सी थी, सेकेंड डिग्री की। आप बोलना चाह रहे थे कि ऊपर वाली सेकेंड डिग्री थी, लेकिन क्या वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन था, मतलब हम डिग्री कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ ना, तो बोलिएगा। तो इसलिए हमने बोल दिया है कि ये फंक्शन अनडिफाइन है। क्या है, अनडिफाइन जी। इम्पोर्टेंट बात को आप नोट कर रहे हो, साथ साथ नोट कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ फंक्शन के हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली है, जिसका नाम हमने ए डाला है। नेक्स्ट देखिएगा बी, जिसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अच्छा लीनियर फंक्शन की हम बात करेंगे कि सर लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री वन होती है। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री वन होती है। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन फंक्शनों के बारे में पहचान। अच्छा टारगेट वाले बैच वाले बच्चे और जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जो इलेवंथ वाले आपके छोटे भाई बहन है ना, हाँ उनको हम साथ ले लेते हैं। हाँ मैं वादा करता हूँ आप 2 दिन में उनके साथ आ जाओगे, इससे ज़्यादा करवा दूंगा आपको। जो बच्चे मेरे पास कल कमेंट आ रहे थे कि सर हम नॉन फाउंडेशन से फाउंडेशन में आए हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, इसलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, थोड़ी देर में ही हम अपने बेस पे आ जाएंगे। तो सब्र रखिएगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप बोर होते रहे हो है ना, और बोलो भी ना। थोड़े से देर 5-10 मिनट की बात है, ये डिवीजन ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन में करवा देता हूँ, उसके बाद खींचेंगे है ना, मतलब उनको मैं अपने बेस में लेके आ रहा हूँ। अच्छा तो बोलते रहे ना कि हमने एक फंक्शन लिया है जिसकी डिग्री वन है, लीनियर का मतलब वन है जिसकी। तो इसको हमने लिखा है ax प्लस बी, ax प्लस बी। अच्छा सर इसकी डिग्री ऑफ अक्ष क्या बोलोगे, इसकी डिग्री ऑफ अक्ष क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ अक्ष तो मैं बोलूँगा वन है। अच्छा इसका कोई आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा ना, कि लीनियर फंक्शन का कोई एग्जाम्पल दीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल टाइप कर दीजिएगा आप। किस कोई भी बचा ही नहीं बचा, कोई टाइप कर सकता है कि इसका एक एग्जाम्पल। भूमिका ने टाइप किया है 3x + 1, माइनस वन या प्लस वन कुछ भी ले लीजिएगा। हाँ जी हाँ कुछ भी। अच्छा तो आप ये बोल रहे हो कि 2x + 7 लगा दीजिएगा। अरे कुछ भी जिसमें x की पावर 1 हो। अच्छा आप बोल रहे हो कि 3x, हाँ ये भी लीनियर है। इसमें जो ये आपका b वाला पार्ट है ये 0 है, आप नजर देखो थोड़ा। इम्पोर्टेंट बात की हम गहराइयों में जा रहे हैं। हाँ कभी आप ऐसे नहीं कर सकते, कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 0x + 3, ये कभी भी आपका लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। सर ऐसा क्यों किया आपने। मैंने आप एक दिन आपको कल मॉर्निंग में एक बात बोली थी कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। आपने लीडिंग कोफिशिएंट को मार डाला, लीडिंग कोफिशिएंट को मार डाला। अरे सर लीडिंग कोफिशिएंट को मारने से क्या होता है, अरे लीडिंग कोफिशिएंट को मारने से जो फंक्शन होता है आपका पॉलिनोमियल जितनी भी डिग्री का होता है खत्म हो जाता है। हाँ अगर 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री खत्म हो जाएगी। बातें क्लियर हैं। हाँ जी सर फिर हम बात कर लेते हैं आगे की, सेकंड सी पार्ट की बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं एक साथ आपको दिखा दूँ है ना। हाँ जी देखते हैं सी नंबर की बात है, और सी नंबर यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इक्वेशन सॉरी, फंक्शन की बात करेंगे हम, फंक्शन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है, 9th क्लास से आप देख के आए हो कि कोई एफ ऑफ एक्स है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा फंक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, फंक्शन में फंक्शन डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स,
और इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वल्स टू जीरो आता है। बात बार बार बोलूंगा, आपके माइंड में चली जाए बातें और गहराइयों तक जाए, है ना। तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में आपका एक फंक्शन गिवन होता है, जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसमें एक फंक्शन डिफाइन होता है। ये देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन है, और इक्वेशन में मतलब आपके इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का आंसर, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीनियर कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं ना आप, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है ए। और मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सर अगर हम गलती से, सर अगर हम गलती से लीडिंग कोफिशिएंट को जीरो कर देते हैं, मतलब एक को जीरो कर देते हैं, एक को जीरो करने पे क्या बनेगा, एक को जीरो करने पे आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो बन जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो एक लीनियर बनेगा, लीनियर फंक्शन। मैं इंपॉर्टेंट बात पे इसलिए प्रेशर डालता हूँ, फोर्स डालता हूँ कि वो आपके माइंड में चली जाए, और इस पे भी मैं इसीलिए डाल रहा हूं कि लीडिंग कोफिशिएंट को कभी भी जीरो नहीं करना चाहिए। एक बात और सर, अगर सर हम कभी इसको ए और सी को दोनों को जीरो कर दे, तो मतलब ए जीरो ले ले और सी भी जीरो ले ले, तो क्या होगा, ए और जीरो लेने पे देख के तेरे पास एक फंक्शन बनेगा जिसको भी लीनियर फंक्शन बोला जाएगा, वो होगा तेरा बी एक्स। और मैं ये बोलता हूँ कि ये जो लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन ये तेरा ओरिजिन से पास होगा, ये तेरा ओरिजिन से पास होगा। हाँ सर, ओरिजिन से तो पास हो जाएगा आप, है ना। मैं इसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ जी, लेकिन सर ये जो आपने लीनियर फंक्शन लिखा है इवन है या ओड, तो सर ये इवन ओड की कौन सी कहानी हो गई आपकी, इवन ओड कहाँ से आ गया। हाँ, अब जब हम फंक्शन की ही बात कर रहे हैं तो इवन ओड फंक्शन की और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा यहाँ, यहाँ मैं आपका इवन ओड फंक्शन की बात करता हूँ, एक बार सुनिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जिन बच्चों का नेटवर्क में समस्या है थोड़ी सी, वो ध्यान से देखिएगा, अपने जो ऐप पे चल रहे हो या यूट्यूब पे चल रहे हो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर मेरी वॉइस में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोलूँगा और कुछ चेक करेगी। मेरे पास सही आ रही है यहाँ तक, क्योंकि और मेरी स्क्रीन में भी ठीक से शो हो रहा है। हाँ जी, तो चलो देखते हैं सर। अब हम आप इवन ओड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इवन ओड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इवन ओड फंक्शन की बात करते हैं हम, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर रहा हूँ, माइनस टू पुट करता हूँ, सॉरी माइनस टू पुट करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, और ये माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। यहाँ एक्स इक्वल टू टू पुट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ आप लिखोगे एफ ऑफ टू इक्वल टू टू का स्क्वायर, और वो भी क्या हो जाएगा, फोर। अब इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से इवन ओड का पता चलता है कि जब आप एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ टू की वैल्यू जब सेम आ जाती है, एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ टू की वैल्यू जब सेम आ जाती है, तो इस फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया है आपका, इवन फंक्शन। तो सर ये इवन फंक्शन कब कब बनता है, तो ये इवन फंक्शन बनता है इवन पावर पे, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू एन हो। मतलब हाँ, टू एन मैंने ऑलरेडी इवन बना के दिया आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2n, अच्छा मैं इसको और तरीके से बना दूं, जैसे मैं x की पावर यहाँ n की जगह m लेता हूँ मैं, तो मैं ये बोलूँगा कि जो m है, m इज इवन नंबर,
यहाँ मैंने जो m लिया है इसको मैंने इवन नंबर डिफाइन किया है, जबकि मैंने यहाँ ऑलरेडी आपको इवन बना दिया है, ऑलरेडी इवन बना के दिया है मैंने। हाँ सुनिएगा, अब मैं बात करता हूँ आपके ओड फंक्शन की। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसकी पावर ओड होती है। मतलब फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया है मैंने, एक्स क्यूब ले लिया। सर यहाँ एक्स की जगह आप माइनस टू रखिएगा, तो आप फंक्शन में रखोगे एफ ऑफ माइनस टू, और आप यहाँ बोलोगे कि माइनस टू का क्यूब इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा, जानते हो इस बात को। अब एक्स इक्वल टू आप टू रखोगे, एक्स इक्वल टू आप टू रखते हैं, यहाँ बोलोगे कि एफ ऑफ टू है, और ये हो जाएगा आपका टू का क्यूब, वो हो जाएगा एट। अच्छा, आप मेरे को यहाँ ये बोल सकते हो कि सर एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जब किसी फंक्शन में माइनस से प्लस की जगह माइनस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वो माइनस फंक्शन से बाहर आ जाता है, उसको बोला जाता है ओड फंक्शन, इसको बोला जाता है ओड फंक्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट फंक्शन की मैंने बात की है, तो मैंने जानबूझ के इस फंक्शन की बात की है, वो जानबूझ के, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है, ये उम्र भर काम आने वाला है अगर आपकी दुनिया मैथमेटिक्स रही तो। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा अलग से, अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा। सर आप ट्रम बेस बात करना चाह रहे हो, ट्रम बेस कौन से फंक्शन होगा आपका? ट्रम बेस की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ए, जिसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल, ये वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें अक्ष की एक ट्रम होती है, ये वो फंक्शन होता है जिसमें अक्ष की एक ट्रम होती है, खास एक ट्रम। सर एक ट्रम कौन सी? अरे कोई सी भी हो, अक्ष की पावर 17 हो, अक्ष की पावर चाहे 20 हो, अक्ष की पावर बात करें तो कुछ भी हो, 222 हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन 1 ही होनी चाहिए। तो सर इसको क्या लिखोगे? तो मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा कि पॉलिनोमियल ऑफ वन ट्रम only। सर इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू x क्यूब लिख रहे हो आप। हाँ सर, और एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एफ ऑफ x इक्वल टू आप बताइएगा 3x प्लस रूट 2x लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या ये मोनोमियल है या नहीं है, बस इतना बता दीजिएगा, क्या ये मोनोमियल है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल मोनोमियल है, क्योंकि अक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, ओ सॉरी, अक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस रूट टू। हाँ, ये मोनोमियल फंक्शन है। सर अब बाइनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, बी नंबर की, हाँ? बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल पॉलिनोमियल वो फंक्शन होता है जिसमें ट्रम्स मोर देन वन होती है, मोर देन वन होती है। तो इसको मैं मोर देन वन को मैं टू से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिसमें ट्रम टू होती है, तो टू ट्रम्स। एग्जाम्पल के लिए लेना चाहते हो लिख लीजिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल मैं दिखाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर 17 प्लस 7 एक्स की पावर 5, कितने ट्रम्स हैं? आप बोलोगे सर टू ट्रम्स हैं,